हाय भाई लोग, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का रोल नंबर भूल गए हैं तो आरआरबी ने जारी कर दिया है। आप सीधे सरकारी रिजल्ट पे जाइए और आरआरबी के साइट पे जाइए आप। ठीक, हमको यहाँ दिया है, डायरेक्ट हम यहीं से चले जाते हैं आंसर की डाउनलोड करने पे। लेकिन आंसर की डाउनलोड हमें नहीं करना है, हमें फी पेमेंट का, आरआरबी जो रिफंड फी कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पे दिया है फॉर ऑनलाइन फी रिफंड फॉर्म, उस पे जाएंगे। ठीक है, यदि हम अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो देखिए फाइंड रोल नंबर का ऑप्शन भी यहाँ दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जाके फारगेट रोल नंबर देखिए ये दिया है ना यहाँ पे, तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता होगा हमको, आपके जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे मिलता है, ईमेल पे भी आ जाता है, मैसेज भी रहता है। और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और एक कैप्चर कोड डाल देना है इसमें। ठीक है, सबमिट कर देंगे, रोल नंबर आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, अप्लाई कर देंगे रिफ़ंड के लिए, किसका, यानी टीपीसी का जो फी रिफ़ंड है उसका। ठीक है, फिर रोल नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। अगर ओटीपी नहीं हमारे पास आया है तो ये देखिए नॉट रिसीव्ड ओटीपी में डालेंगे ना, तो मैट्रिक रोल नंबर मतलब 10 का जो फॉर्म, 10 का जो मार्कशीट है हमारा, उसमें रोल नंबर डाल देंगे, उसका फादर नेम डाल देंगे, कैप्चर कोड डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, लॉग इन कर देंगे। अगर देखिए, और यहाँ देखिए फॉरगेट रोल नंबर का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद अपना बैंक डिटेल डाल देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। समझें, वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।